इतने बजे शुरू होगा भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला। टीम इंडिया के कप्तान शिखर धवन ने टीम में किए बड़े बदलाव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ओडीआई सीरीज़ का दूसरा वनडे मुकाबला कितनी बजे शुरू होगा और साथ ही किन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरने जा रही है इस मुकाबले में टीम इंडिया, बताएंगे पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में। तो दोस्तों बने रहें वीडियो के पूरे आखिर तक, और साथ ही आप भी चाहते कि इस मुकाबले में टीम इंडिया शानदार परफॉर्मेंस करके सीरीज में वापसी करे तो कर दीजिए वीडियो को लाइक, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पहले मुकाबले को 9 रनों से जीत लिया और इस जीत के साथ ही टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। अब दूसरे मुकाबले को यह टीम जीत कर यहाँ पर मुकाबले में या फिर यूँ कहें तो सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बनाना चाहेगी। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया इस मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है और वापसी की तैयारियां टीम इंडिया भी कर चुकी है। वैसे बात करें साउथ अफ्रीका की टीम की तो गेंदबाजी और बल्लेबाजी पहले मुकाबले में इस टीम की काफ़ी शानदार रही थी। हालांकि भारतीय टीम की बल्लेबाजी में शुरुआत थोड़ी खराब रही थी जिसके चलते टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया वापसी करने जा रही है। वहीं पर दोस्तों पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ियों की हम बात करें तो बल्लेबाजी में इस टीम की तरफ से क्यूटन डीकॉक, एंड्री क्लासेन और डेविड मिलर ने कमाल का परफॉर्मेंस करके दिखाया था। इन तीनों बल्लेबाजों की बेहतरीन बल्लेबाजी के चलते ही यहाँ पर 249 रनों का स्कोर खड़ा कर पाई थी 40 ओवर में साउथ अफ्रीका की टीम, और एक बार फिर इन्हीं खिलाड़ियों से यहाँ पर टीम को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें होगी। इन तीनों खिलाड़ियों के अलावा यहाँ पर जाने मन मलैन और एडन मार्करम व तेम्बा बोमा भी इस टीम के लिए शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं। हालांकि तेम्बा बोमा का परफॉर्मेंस अब तक काफ़ी खराब रहा, तो यहां पर कप्तान से बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद साउथ अफ्रीका की टीम इस मुकाबले में जरूर करेगी। लेकिन बाकी जो फॉर्म में चल रहे हैं उन खिलाड़ियों से भी यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद साउथ अफ्रीका की टीम को होगी। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी की बात करें तो पिछले मुकाबले में कमाल की गेंदबाजी की थी इस टीम की तरफ से लुंगी एंगिडी और कंगिसो रबाडा ने। कंगिसो रबाडा की हम बात करें तो उन्होंने 2 ओवर मेडन डाले थे और 8 ओवर में मात्र 36 रन खर्च करके 2 सफलताएँ प्राप्त की थी, जबकि वेनी पार्नेल ने भी 8 ओवर में 1 ओवर मेडन डालते हुए 38 रन देकर 1 सफलता प्राप्त की। जबकि सबसे किफायती गेंदबाज की हम बात करें तो वो केशव महाराज रहे थे टीम की तरफ से, जिन्होंने 8 ओवर में 1 ओवर मेडन डालते हुए 23 रन देकर 1 सफलता प्राप्त की। हालांकि सबसे महंगे गेंदबाज तबरेज शम्सी रहे थे, जिन्होंने 8 ओवर में 89 रन खर्च किए थे। लेकिन दोस्तों इस टीम के गेंदबाजों के शानदार गेंदबाजी परफॉर्मेंस के चलते ही यह टीम मुकाबला जीत पाई थी। वहीं पर भारतीय टीम की हम बात करें तो टीम इंडिया के लिए शुरुआत काफ़ी ख़राब रही थी बल्लेबाजी में। शिखर धवन, शुभमन गिल ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और वो दोनों सस्ते में पेवेलियन लौट गए। इसके बाद टीम इंडिया के लिए ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन का परफॉर्मेंस बिल्कुल ही अलग दिखा। वो काफ़ी धीमी बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, जिसका खामियाजा टीम इंडिया को हार के साथ भुगतना पड़ा था। इन दोनों बल्लेबाजों की स्ट्राइक रेट 50 के आसपास रही थी, जिसके चलते भारतीय टीम को मुश्किलों में पड़ना पड़ा। लेकिन वहीं पर अंत में संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर और शार्दुल ठाकुर की बेहतरीन बल्लेबाजी के चलते इस मुकाबले में रोमांच जरूर आया और टीम इंडिया जीत के काफ़ी नज़दीक पहुंच पाई, लेकिन फिर भी मुकाबला टीम इंडिया की तरफ से हाथ से निकल गया। वैसे भारतीय टीम की तरफ से श्रेयस अय्यर 50 और संजू सैमसन की 86 रनों की शानदार पारी ने इस मुकाबले में 2 बेहतरीन प्लेयरों की फॉर्म उनके साथ ला दी। लेकिन दोस्तों ये दोनों खिलाड़ी अब आने वाले इस दूसरे वनडे मुकाबले में कमाल का परफॉर्मेंस कर सकते हैं रांची के मैदान पर। वहीं पर चले दोस्तों अब हम जानते हैं कि आखिरकार टीम इंडिया किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरेगी इस मुकाबले के लिए। तो दोस्तों भारतीय टीम बल्लेबाजी में तो ज़्यादा बदलाव करना नहीं चाहेगी, क्योंकि सभी बल्लेबाजों को एक और मौका मिलेगा। हालांकि गेंदबाजी में टीम इंडिया बदलाव जरूर करेगी। तो चले दोस्तों शुरुआत से ही हम जानते हैं विस्तार से कि टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत कौन करेगा। तो दोस्तों एक बार फिर शिखर धवन और शुभमन गिल के ऊपर ही टीम इंडिया की पारी की शुरुआत करने की जिम्मेदारी रहेगी, जबकि दोस्तों नंबर 3 पर एक बार फिर ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिलेगा तो नंबर 4 पर ईशान किशन खेलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद नंबर 5 पर श्रेयस अय्यर उतरेंगे तो नंबर 6 पर संजू सैमसन खेलते हुए नजर आने वाले हैं। श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन के ऊपर एक बार फिर टीम इंडिया के लिए शानदार बल्लेबाजी की बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। इसके बाद नंबर 7 पर शार्दुल ठाकुर उतरेंगे तो नंबर 8 पर दीपक चहर को इस मुकाबले में मौका मिलेगा।
जबकि नंबर 9 पर हमें कुलदीप यादव खेलते हुए नजर आएंगे, तो नंबर 10 पर मोहम्मद सिराज उतरने वाले हैं। तो वहीं पर नंबर 11 पर रवि बिश्नोई खेलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों क्या लगता है इस प्लेइंग 11 के साथ टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत पाएगी? ये मुकाबला शुरू होगा भारतीय समय अनुसार दोपहर के 1:30 पर, यह मुकाबला खेला जाएगा 9 अक्टूबर को। तो दोस्तों क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? आप हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।